जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा नवी विषय हिंदी अद्वार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर की। हाँ साथियों, आज मैं आपको साथियों पूरा पेपर बताऊंगा कि जो अद्वार्षिक परीक्षा होने वाली है 11 तारीख को। हाँ साथियों, 11 दिसंबर 2023 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, सबसे पहले कक्षा 9 का। वह हिंदी का पेपर आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में ध्यान से बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर साथियों साफ साफ लिखा है अद्वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। और समय की बात करें साथियों, समय मिलेगा 3.25 घंटे का, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। आइए मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ। उसके बाद साथियों, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो ये पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। आपके जिले में आपको इस प्रकार का पेपर देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, सीधा का सीधा पेपर आपको अद्वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, पेपर तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन पेपर में आपको आंसर नहीं मिलेंगे और आंसर ढूंढने में आपको काफ़ी अधिक समय लगेगा, इसलिए मेरे द्वारा आपको पूरा पेपर हल करवाया जाएगा। आप ध्यान से इसे देखें, पूरा पेपर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अद्वार्षिक परीक्षा का पेपर है साथियों, ये 11 दिसंबर का, तो आप इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न एक बोल रहा है किस शब्द में ईमा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गरिमा, लगीमा, कालीमा, सभी में साथियों ईमा प्रत्यय का यूज हुआ है, साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन कविता, इसमें ईमा प्रत्यय नहीं लगा, इसमें ईता प्रत्यय का यूज हुआ है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, बोलने पर सुनाई दे रहा है कविता, तो आपका राइट आंसर द हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखे साथियों कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, परिभाषा बता दूं साथियों, ऐसा विशेषण जिससे किसी गुण की अनुभूति होती है। यानी आप देखेंगे थोड़ा, ये कोई गुण नहीं है, चौगुना ये भी गुण नहीं है, प्रत्येक भी गुण नहीं है, लेकिन साथियों अच्छा यानी बहुत ही अच्छा होना, गुड होना एक गुण है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें, वह बोल रहा है राम पुस्तक पढ़ता है में रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो साथियों राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका कृत्य वाच्य है। कौन सा वाक्य साथियों, कृत्य वाक्य। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा, तो इसमें से आप आंसर लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं अधिनायक, इसमें साफ साफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, उसे भी आप ध्यान से देखिए साथियों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे पहले उद्यान की बात करते हैं, तो एक तो इसका साथियों इसमें हो जाएगा बाग। उद्यान को क्या बोलते हैं साथियों, एक तो बाग बोलते हैं और इसे बगीचा बोला जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इस तरीके से लिख दिया है, बाग और बगीचा इसके दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद बात करें सेकंड की, तो चंद्रमा को साथियों एक तो चांद भी कहा जाता है, तो एक तो इसमें चांद राइट आंसर हो जाएगा और एक राइट आंसर हो जाएगा शशि, या राकेश भी लिख सकते हैं, ये चांद के ही नाम है साथियों, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप ऐसे आंसर इसमें बता सकते हैं। और भी अगर आपको कोई और पर्यायवाची शब्द आते हैं तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो दो पर्यायवाची शब्द बताने थे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आदर्श की बात करें साथियों, आदर्श का विलोम शब्द अनादर्श होता है। क्या होता है? अनादर्श। आप साफ साफ एग्जाम में से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन की, यानी इसके सेकंड पॉइंट की, तो कनिष्ठ, कनिष्ठ का साथियों जो विलोम शब्द होता है वो होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का मतलब साथियों छोटा होता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें साथियों यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समुराचित भिन्नार्थक शब्दों में अर्थगत अंतर बताइए। तो यहाँ पर अनल का मतलब साथियों आग होता है। क्या होता है? अनल का सामान्य अर्थ होता है आग, और अनिल की बात करें इसका सामान्य अर्थ होता है हवा। तो पहले में आप आग लिख देंगे, दूसरे में हवा। इसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, परिणाम, परिणाम का मतलब साथियों रिजल्ट होता है, यानी कि नतीजा। इसके बाद आप इसमें, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें आप लिख देना नतीजा। इसके बाद परिमाप की बात करें साथियों, बाहरी माप को हम परिमाप बोलते हैं, किसी भी चीज़ को बाहर से मापना क्या होता है? परिमाप होता है, जो आप मैथ में भी देखते होंगे। इसके बाद है मुहावरों का अर्थ बताइए। तो इसमें साथियों ध्यान से देखिए, जो आपका पहला मुहावरा है वह है आसमान के तारे तोड़ना, तो आप इसमें लिख देंगे बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है, बहुत कठिन कार्य आप इसमें लिख देंगे आसमान से तारे तोड़ने के मुहावरे के अर्थ में, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, घोड़े बेचकर सोना, इसका साथियों सिंपल सा अर्थ होता है निश्चित हो जाना। क्या होता है? निश्चित हो जाना। घोड़े बेचकर सोने को क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? निश्चित हो जाना, ओके।
इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा गद्यांश। ये आपका साथियों बुक का होगा जिसे हम बोलेंगे पठित गद्यांश, इसको ध्यान से एक बार रीड कर लेना है और नीचे दिए गए बहुत ही सिंपल प्रश्नों का जवाब दे देना है बहुत ही आसानी से। ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे साथियों। फिर आप जैसे इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर साथियों 10 बोल रहा है कि पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब आपको देने, तो इनके जवाब भी आप दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। ये चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा साथियों। यहाँ पर आपको कक्षा 10, 9, 11, 12 सभी क्लासों के वीडियो समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि नहीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन आपको केवल 3 का ही आंसर देना है, कोई से भी 3। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में भी आपको ऐसा ही करना है, 4 में से 3 का आंसर देना है। और प्रश्न नंबर 13 में भी आपको 5 में से 4 का आंसर देना है। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर आपको पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और भी एक क्वेश्चन मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है कि मान लो आप प्रदीप निवासी अलवर मानते हुए बड़े भाई विजय को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी माताजी के अस्वस्थ हो जाने की सूचना भेजी गई हो। यानी आपको अपना नाम मानना है साथियों प्रदीप और अपने बड़े भाई विजय को पत्र लिखना है जिसमें आपकी माता की तबीयत खराब है, उसकी स्थिति को बताना है, ठीक है। अगर बाय चांस आपको ये नहीं आता है पत्र तो आप इसमें से यात्री एवं बस कंडक्टर के मध्य संवाद लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए वह टिकट मांग रहा होगा, वह नहीं दे रहा होगा, या कोई भी उनके बीच जो भी बात हुई आप इसमें लिख सकते हैं बनाकर। इसके बाद आपको यहाँ पर 200 शब्दों में लिखना होगा निबंध, जिसमें से पहला टॉपिक है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, सेकंड टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन, थर्ड है खुला सोच मुक्त गांव, राष्ट्र निर्माण में युवतों का योगदान। इन 4 में से आपको केवल एक लिखना है। 200 शब्दों का मतलब है साथियों कम से कम 2 पेज आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। अब बात करें साथियों कि क्या ये पेपर आपको द्वार्षिक परीक्षा में सभी जगह देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। राजस्थान के प्रत्येक जिले में अलग अलग पेपर आता है, तो हो सकता है आपके जिले में आपको ये पेपर देखने को भी मिल जाए और ना भी मिले। मैं आपको एकदम बिल्कुल सच बात बता देता हूँ, क्योंकि साथियों प्रत्येक जिले में अलग अलग पेपर आता है, तो आपके जिले में आ भी सकता है और नहीं भी। आपको और भी तैयारी करना है, इसके भरोसे नहीं रहना है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इस पेपर को आप प्रैक्टिस पेपर समझ के हल कर सकते हैं। अगर आपके जिले में आया तो आपकी अच्छी किस्मत होगी और आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, वरना साथियों और भी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको ये पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।